हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आरएल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा मैनिक अभिक्रिया के बारे में, और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, मैनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड ऑफ 2° एमीन के साथ करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हम लोगों को मैनिक क्षार का मिलता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। इस मैनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड ऑफ 2° एमीन के साथ करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हम लोगों को मैनिक क्षार का मिलता है। ठीक है ना। अब इस अभिक्रिया को मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि एसीटोन की रिएक्शन, यहां पर मैं किसको लिख रहा हूं, एसीटोन को लिख रहा हूं। ये कौन है आप लोगों का, एसीटोन। ठीक है ना। जब हम एसीटोन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं और आप लोगों के 2° एमीन से करवाते हैं, ठीक है ना, 2° एमीन से करवाते हैं किसी अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल के रूप में मैंने यहां पर किसको ले रखा है, HCl को ले रखा है। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलेगा, मैनिक क्षार का मिलेगा। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये कौन हो गया आप लोगों का, एसीटोन हो गया। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का, एसीटोन हो गया। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये कौन हो गया आप लोगों का, एसीटोन हो गया। इसका IUPAC नाम होता है 2-propanol। ठीक है ना, इसका IUPAC नाम क्या होता है, 2-propanol होता है। ये कौन हो गया आप लोगों का, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। ठीक है ना, इसका IUPAC नाम मेथेनॉल होता है। और ये कौन होता है आप लोगों का, 2° एमीन। ठीक है ना, ये कौन होता है आप लोगों का, 2° एमीन। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट किसका मिलेगा, मैनिक क्षार का। वाटर का मॉलिक्यूल्स किस तरीका से बाहर निकलेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा, और यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। तो H2 का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलेगा, मैनिक क्षार का। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये लिख दिया मैंने CH3। ठीक है ना, ये मैंने किसको लिख दिया, CO को लिख दिया। अब देखो, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकल चुका है, तो ये क्या बन चुका है आप लोगों का, CH2 बन चुका है। यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम बाहर निकल चुका है, तो ये भी आप लोगों का कौन बन चुका है, CH2 बन चुका है। और यहां से भी आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकल चुका है, तो ये क्या बन चुका है आप लोगों का, NR2 बन चुका है। और ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है, मैनिक क्षार का। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है, मैनिक क्षार का, मतलब मैनिक बेस का। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड ऑफ 2° एमीन से करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट किसका मिलेगा, मैनिक क्षार का। वाटर का मॉलिक्यूल किस तरीका से बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम बाहर निकलेगा, और यहां से आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट मैनिक क्षार का मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखो आप लोग, ये मैंने किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया, ये मैंने किसको लिख दिया, CO को लिख दिया। यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम बाहर निकल चुका है, तो ये क्या बन चुका है आप लोगों का, CH2 बन चुका है। यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन एटम बाहर निकल चुका है, तो ये भी आप लोगों का क्या बन चुका है, CH2। यहां से आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकल चुका है, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, NR2। और ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका होगा, मैनिक क्षार का होगा, मतलब मैनिक बेस का होगा। तो ये तो हम लोगों की मैनिक अभिक्रिया हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए मैनिक अभिक्रिया की मैकेनिज्म को बता देता हूं, मतलब इसकी क्रियाविधि को बता देता हूं कि मैनिक अभिक्रिया की क्या क्रियाविधि है, क्या मैकेनिज्म है। तो देखो, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना, मैकेनिज्म वाला पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान से समझ के चलो। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूं और इसकी मैं आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को बता देता हूं, मतलब क्रियाविधि को बता देता हूं। ठीक है ना, तो देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैं एक काम करता हूं इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है ना, मैं इस पूरे को ही मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह कम पड़ेगी, तो यहां पर मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, अब मैं आप लोगों के लिए मैनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म को समझा देता हूं।
तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये जो मैंने का अभिक्रिया है इसकी आप लोग क्रिया विधि मैकेनिज्म को देख लो। तो देखो इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होती है वो दो स्टेपों में कंप्लीट होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोगों को इमीनियम आयन मिलता है और स्टेप सेकंड के अंदर हम लोगों को इनोल मिलता है। तो इमीनियम आयन इनोल के साथ अभिक्रिया करके मैनिक क्षार का फॉर्मेशन करता है, इसको समझेंगे हम इसकी क्रिया विधि से मतलब मैकेनिज्म से। तो इधर देखिए इसकी मैकेनिज्म को आप लोग समझ लो, इसकी मैकेनिज्म दो स्टेप में होती है। यहां पर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करता हूं, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि यहां पर मैं 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ करवा देता हूं, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हम लोगों को इमीनियम आयन मिलेगा। तो इमीनियम आयन किस तरीके से मिलेगा उसको आप लोग बोर्ड पर देखिए। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 2 डिग्री एमीन को, ठीक है ना। ये कौन हो गए आप लोगों का 2 डिग्री एमीन, और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया, फॉर्मएल्डिहाइड का हो गया। अब देखो ध्यान से समझना इस वाले स्टेप को आप लोग, ठीक है ना, इस वाले स्टेप को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। यहां से जो आप, ये कौन हो गया आप लोगों का 2 डिग्री एमीन हो गया, यहां से आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ में जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम के साथ में। ये हाइड्रोजन एटम यहां से हटेगा और किसके पास में जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम के पास में, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस स्टेप को समझा देता हूं। देखो ये कौन हो गया आप लोगों का 2 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना, ये आप लोगों का कौन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोगों को इमीनियम आयन मिलेगा, तो इमीनियम आयन किस तरीका से मिलेगा उसको आप लोग देखिए। ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों का यहां से हटेगा जो कि किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन एटम से, ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा वो आप लोगों का अगला स्टेप ही होगा, मैं सामने शो कर देता हूं। यहां पर लिख दिया मैंने R2N, ठीक है ना, और यहां पर ये नाइट्रोजन आप लोगों का किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। यहां पर मैंने ये हाइड्रोजन शो कर दिया, यहां पर मैंने ये हाइड्रोजन शो कर दिया, और यहां पर आप लोगों के ऑक्सीजन के साथ आप लोगों का कौन जुड़ जाएगा, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहां पर 2 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ऑक्सीजन अपनी 2 वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर मैंने यहां पर शो कर दिया, एक लोन पेयर मैंने यहां पर शो कर दिया। और यहां पर आप लोगों को पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। नाइट्रोजन 1 वैलेंसी तो कार्बन के साथ कर रहा है और 2 वैलेंसी एल्किल ग्रुप के साथ कर रहा है, तो नाइट्रोजन की कंप्लीट 3 वैलेंसी हो रही है। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये स्टेप हम लोगों को मिल गया, अब इस स्टेप में मैं अम्ल को डाल देता हूं, मतलब H+ को डाल देता हूं। तो जो H+ होगा वो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H+ को दे देगा, और ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैकेनिज्म के आप लोग अगले स्टेप को देखिए, यहां पर मैं किसको ऐड कर देता हूं, अम्ल को ऐड कर देता हूं। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, यहां पर ले देता हूं R2N, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का ये कार्बन, कार्बन से आप लोगों का ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहां भी आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब देखो इस ऑक्सीजन से मैंने किसको जोड़ दिया, इस H+ को जोड़ दिया, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन से मैंने किसको जोड़ दिया, इस H+ को जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन आप लोगों का पहले से जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों का नॉन पेयर हो गया। तो इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को किसके लिए दे चुका है, H+ के लिए दे चुका है, ठीक है ना। यहां पर H+ कौन है आप लोगों का, अम्ल। तो मैकेनिज्म का आप लोगों का अगला स्टेप ही हो गया। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन एटम कभी भी अपने पास में प्लस चार्ज पसंद नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा और यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा
तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, वाटर का मॉलिक्यूल्स जैसे यहां से बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। कार्बन के इस प्लस चार्ज को नाइट्रोजन का ये लोन पेयर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप बना है आप लोगों का, वो अगला स्टेप आप लोगों का ये बना है, मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, लिख देता हूं। देखो ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर ये तो आप लोगों का हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, यहां पर लिख दिया मैंने R2, ठीक है ना। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर पहुंच चुका है, तो नाइट्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा आप लोगों का CH2, ठीक है ना। और यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एमोनियम आयन, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एमोनियम आयन बोल रहे हैं, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, एमोनियम आयन। तो देखो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोगों को एमोनियम आयन मिल गया। अब ये एमोनियम आयन स्टेप सेकंड में जाकर इनोल के साथ अभिक्रिया करेगा। इनोल के साथ किस तरीका से अभिक्रिया करेगा उसके लिए आप स्टेप सेकंड को देखिए। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए स्टेप सेकंड को लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का स्टेप सेकंड, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का स्टेप सेकंड, तो इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो स्टेप सेकंड के अंदर यहां पर मैं एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लेता हूं, और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में चलाव्यक्ता समाव्यक्ता होगी, मतलब टोटो मैरिज माइसोमैरिज होगी। तो हम लोगों को कौन सी फॉर्म मिलेगी, इनोल फॉर्म मिलेगी, मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। यहां पर मैंने किसको ले लिया, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लिया, ठीक है ना। ये कौन हो गए आप लोगों का एसीटोन का मॉलिक्यूल्स, तो इसके अंदर क्या होगी, चलाव्यक्ता होगी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगी, चलाव्यक्ता होगी, मतलब टोटो मैरिज होगी। टोटो मैरिज के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड और H प्लस जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, वो एक ही स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। किस तरीका से ट्रांसफर होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां से हाइड्रोजन आप लोगों का एच प्लस लेकर निकलेगा, और एच प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ये आप लोगों का जो एच प्लस होता है ना, ये जो आप लोगों का एच प्लस होता है, इस एच प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन H प्लस की कंडीशन में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है, इसलिए H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर प्रोटॉन और पाई बॉन्ड का क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक ही स्ट्रक्चर में। किस तरीका से होगा वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो यहां से मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोजन एटम को खोल के समझा देता हूं, जिससे समझने में आसानी रहेगी। ये कौन है आप लोगों का, CH3, ठीक है ना। तो यहां पर एक हाइड्रोजन एटम को मैं खोल के लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन एटम मैंने आप लोगों के लिए खोल के लिख दिया। तो देखो यहां पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो अगला स्टेप बनेगा मैकेनिज्म का, वो अगला स्टेप आप लोगों का ये बनेगा, यहां पर लिख देता हूं CH3, ये आप लोगों का कार्बन हुआ। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर निकलेगा, जो कि किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन से मैंने किसको जोड़ दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये कौन हो गई आप लोगों का, इनोल फॉर्म हो गई, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म हो गई आप लोगों की, इनोल फॉर्म हो गई। इसको इनोल फॉर्म हम क्यों बोलते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो आप लोगों को पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, इन। भाई ये जो डबल बॉन्ड होता है इसका अनुलग्न क्या होता है, इन। और जो एल्कोहल होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल, ठीक है ना। जो आप लोगों का डबल बॉन्ड होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, इन। और जो आप लोगों का एल्कोहल होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। क्योंकि ये जो आप लोगों का इन अनुलग्न यूज कर रखा है, ये तो किसके लिए कर रखा है, डबल बॉन्ड के लिए। और ये आप लोगों का ऑल अनुलग्न यूज कर रखा है, वो किसके लिए कर रखा है, एल्कोहल के लिए।
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनोल, मतलब बे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और OH भी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनोल बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये तो आप लोगों का कीटो रूप हो गया, मतलब कीटोन है, और ये कीटोन चला भी अपता से टोटोमेरिज से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनोल में। अगर आप वापस से इनोल से कीटो फॉर्म कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब इस इनोल से आप कीटोन को बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल बना सकते हो आप लोग। क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड है ना, ये तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर तो आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, CH2 से जुड़ जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? मतलब कीटो फॉर्म को हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनोल फॉर्म को हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं चलाव्यक्ता से, मतलब टोटोमेरिज्म से। बात समझ में आ गई ना कि चलाव्यक्ता के अंदर क्या होता है कि पाई बॉन्ड और प्रोटॉन का एक ही स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर हम लोगों को कौन मिल गया, इनोल मिल गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस इनोल से रिएक्शन कौन करेगा, इमिनियम आयन करेगा, और इमिनियम आयन जैसे ही इनोल के साथ रिएक्शन करेगा, मैनिक क्षार का हम लोगों के सामने प्रोडक्ट होगा और उसी के साथ हम लोगों की मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर मैं किसको लिख रहा हूं, इनोल को लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर मैं किसको लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इनोल को लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं CH3, ठीक है ना, COH, यहां पर हो गया आप लोगों का डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, इमिनियम आयन को, यहां पर लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर लिख देता हूं आप लोगों का Nr2+, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म का जो अगला स्टेप होगा, इस स्टेप को आप लोग ध्यान से समझो। तो देखो मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये तो कौन हो गया आप लोगों का, इनोल हो गया, और ये कौन हो गया आप लोगों का, इमिनियम आयन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आप लोगों का, इमिनियम आयन हो गया, ठीक है ना। ये आपस में रिएक्शन किस तरीका से करेंगे इसको आप लोग ध्यान से समझना। देखो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता मैनिक अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हुई है, अम्ल की प्रेजेंस में हुई है, तो यहां से आप लोगों का H+ तो बाहर निकल जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इस वाले ये जो बॉन्ड है ना, ये दोनों CH2 के बीच में जनरेट हो जाएगा, तो ये इनोल और इमिनियम आयन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना? और आप लोगों को पता है कि यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 4 हो रही है। नाइट्रोजन 2 तो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, वो अपने प्लस को खत्म करना चाहेगा, तो वो किस तरीका से खत्म करेगा, कि वो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन का यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस खत्म हो जाएगा, और मैनिक क्षार हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं CH3, यहां पर हो गया COO, यहां पर लिख दिया CH2, ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या हो गया CH2, और ये आप लोगों का Nr2 हो गया, यहां से आप लोगों का H+ बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला, मैनिक क्षार का, ठीक है ना, ये हम लोगों को प्रोडक्ट किसका मिला, मैनिक क्षार का। और इसी के साथ जो आप लोगों की मैकेनिज्म चल रही थी मैनिक अभिक्रिया की, ये मैकेनिज्म आप लोगों की कंप्लीट होती है। एक बार फिर से मैं आप लोगों की इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये अभिक्रिया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एसीटोन की रिएक्शन फॉर्म एल्डिहाइड से और 2° एमीन के साथ करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलता है, मैनिक क्षार का मिलता है, ठीक है ना। इसको समझेंगे हम इसकी मैकेनिज्म से। तो देखो इसकी जो मैकेनिज्म होती है मैनिक अभिक्रिया की, ये 2 स्टेप में होती है, स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकंड में। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को इमिनियम आयन मिलता है, ये इमिनियम आयन स्टेप सेकंड में इनोल के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके और इस अभिक्रिया को कंप्लीट करता है। तो इमिनियम आयन हम लोगों को किस तरीके से मिलता है वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं।
स्टेप फर्स्ट में ये मैंने किसको लिख दिया, 2 डिग्री अमीन को लिख दिया। इसने रिएक्शन किसके साथ किया, फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ किया है। तो देखो ये जो 2 डिग्री अमीन का हाइड्रोजन एटम है ये फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन एटम तो किसके साथ जुड़ गया, आपने को ऑक्सीजन एटम के साथ, और इस नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो मैकेनिज्म का अगला स्टेप हम लोगों को ये मिल गया। अब इस स्टेप के अंदर हम क्या डाल देते हैं, H प्लस को डाल देते हैं, मतलब अम्ल को डाल देते हैं। जैसे ही मैंने इसमें H प्लस को डाला तो ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम दो वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद उसके पास में दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर आप लोगों का ये रहा और एक लोन पेयर आप लोगों का ये रहा। ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, और ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, वो कभी भी अपने पास में पॉजिटिव पसंद नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा यहां से आप लोगों का ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म करेगा। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोगों को कौन मिल गया, इमिनियम आयन मिल गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो इमिनियम आयन मिला है ये इनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, किस तरीका से करेगा वो बोर्ड पर देखिए। ये स्टेप मैंने आप लोगों के लिए सेकंड ले लिया। सेकंड स्टेप के अंदर मैंने किसको ले लिया, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले लिया। ये मॉलिक्यूल्स किसका है, एसीटोन का। इसके अंदर क्या होती है, चलावयवता समावयवता होती है, मतलब टोटोमेरिज आइसोमेरिज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को लिख दिया। यहां पर आप लोगों के ये कौन है, CH3 था। एक हाइड्रोजन एटम को मैंने यहां पर खोल कर लिख दिया। तो देखो यहां पर कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो प्लस लेकर निकलेगा वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये आप लोगों का कौन हो जाएगा, ये आप लोगों का कौन हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये हम लोगों को कौन सी फॉर्म मिल गई, इनॉल फॉर्म मिल गई, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, इन, और जो एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल। मतलब बे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फॉर्मूले के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और एल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। क्योंकि ये जो इन अनुलग्न है ये तो किसका हो गया, डबल बॉन्ड का, और ये जो ऑल अनुलग्न है वो किसका हो गया, एल्कोहल का हो गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये कीटो फॉर्म हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, इनॉल फॉर्म में, और ये जो चलावयवता होती है टोटोमेरिज होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और पाइरोन एक ही स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं। ये तो आप लोगों का H प्लस कौन हो गया, प्रोटॉन, ठीक है ना, जो कि किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। और ये वाले बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गए, तो यहां पर आप लोगों को कौन बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कीटो फॉर्म से हम इनॉल फॉर्म बना सकते हैं, और इनॉल फॉर्म से वापस से हम कीटो फॉर्म बना सकते हैं। किस तरीका से बना सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो अगर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो H+ लेके निकलेगा ये यहां पर जुड़ जाएगा। मतलब ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। तो यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, तो वापस से इस इनॉल फॉर्म से क्या बन गई, आप लोगों की कीटो फॉर्म बन गई। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो आप लोगों का इनॉल है, इस इनॉल को मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है ना, और इस इनॉल की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, इमिनियम आयन के साथ। तो देखो जैसे ही मैं इनॉल की रिएक्शन इमिनियम आयन से करवाऊंगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में किस तरीका से जुड़ेंगे, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड बन जाएगा, और आप लोगों को पता है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, एच प्लस की उपस्थिति में हुई है, मतलब अम्ल की उपस्थिति में हुई है। तो ये एच प्लस आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये CH2 के बीच में आप लोगों का यहां पर क्या होगा, बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब यहां पर नाइट्रोजन एटम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा। खत्म कहां से करना चाहेगा, क्या यहां से वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तोड़ लेगा और अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, तो यहां से आप लोगों का पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ चले जाएंगे, तो नाइट्रोजन वापस से अपनी कितनी वैलेंसी कर लेगा, 3 वैलेंसी कर लेगा। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम जब अपनी 3 वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है तो नाइट्रोजन एटम के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, बात समझ में आ गई ना। और ये जो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिला है, ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिल जाएगा, मैनिक क्षार का, मतलब मैनिक बेस का, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ जो आप लोगों की मैनिक अभिक्रिया चल रही थी उसकी मैकेनिज्म आप लोगों की कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जामों में यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए मैनिक अभिक्रिया आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, साथ के साथ उसकी मैकेनिज्म भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन के बाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होती है रिएक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, एक एक चीज यहां पर समझने वाली होती है, किस तरीका से बॉन्ड टूट रहे हैं, किस पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पर नेगेटिव आ रहा है, किस पर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, किसी पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये सभी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, बात समझ में आ गई ना। इसलिए मैं प्रत्येक रिएक्शन के बाद उसकी मैकेनिज्म को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे, बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए मैनिक अभिक्रिया कंप्लीट करवा दी और उसकी मैकेनिज्म कंप्लीट करवा दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।